To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभात हम भैयावान, अभी के कलांश में उद्योगों का वर्गीकरण के तहत जो शेष बिंदु बचा है, इस वीडियो में उस बचे हुए शेष बिंदु की जानकारी मेरे द्वारा आप तमाम लोगों की दी जाएगी। उद्योगों का वर्गीकरण के तहत चौथा जो प्रमुख वर्गीकरण है वह वर्गीकरण है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, देश में कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिसका संचालन, प्रबंधन, नियंत्रण या तो सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है, फिर किसी निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो उद्योगों पर किस व्यक्ति विशेष का या सरकारी एजेंसियों का नियंत्रण है, उसके नियंत्रण में, स्वामित्व में, प्रबंधन के आधार पर जिस उद्योगों का संचालन किया जाता है वह उद्योग स्वामित्व के आधार पर उद्योग कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को मोटे तौर पर जो है चार भागों में बांटा जाता है। पहला जो वर्गीकरण है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, इस प्रकार के उद्योग का संचालन सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, सरकारी इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। सरकार की एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार के उद्योगों का संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन किया जाता है और ऐसे उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जन कल्याण की भावनाओं के तहत की जाती है। देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से, व्यापार वाणिज्य जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बेरोजगारी कम से कम को करने के उद्देश्य से कृषि को आधुनिकीकरण करके कृषि पर रोजगार के दबाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा इस प्रकार के उद्योगों का संचालन, नियंत्रण, प्रबंधन किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग जन कल्याण की भावना से होती है। ऐसे उद्योगों का उद्देश्य प्रॉफिट, लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि अधिक से अधिक समुदायों को, लोगों को जो है बेहतर से बेहतर रोजगार देकर के, उनकी आय बढ़ा करके जीवन को सरल, सुगम बनाने का जो है कार्य किया जाता है। मौजूदा समय में चाहे सेल के अंतर्गत उद्योग हो या फिर भेल के अंतर्गत उद्योग हो, सेल के अंतर्गत भेल के जो है, भेल के अंतर्गत या जो है सेल और भेल, सेल के अंतर्गत जो है दूसरा जो है भेल के अंतर्गत HMT टावर हिंदुस्तान लिमिटेड जैसे तमाम प्रकार के उद्योग जो है सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हाइवे इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, टावर हिंदुस्तान लिमिटेड सार्वजनिक उद्योग के जो है उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा जो उद्योग है स्वामित्व के आधार पर जो दूसरा जो उद्योग है वह जो है निजी उद्योग है। दूसरा जो उद्योग है वह है निजी उद्योग, जिस उद्योग का संचालन, नियंत्रण एवं
एवं प्रबंधन किसी खास व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता हो, वह उद्योग निजी उद्योग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के उद्योग का एक खास मकसद होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसे उद्योगों में उत्पादित होने वाले वस्तु एवं पदार्थ की गुणवत्ता भी कभी कभी प्रभावित होती है, शक के दायरे में आ जाता है। आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से श्रमिकों के साथ अमानवीय दशा एवं स्थिति को भी पैदा की जाती है। श्रमिकों में जो है मानवता लुप्त हो जाती है और धीरे धीरे मानव मशीनमय हो जाता है। काम के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं कुछ लाभ के लालच में, लेकिन लाभ का एक बहुत बड़ा भाग निजी उद्योगपतियों के द्वारा अपनी सुख सुविधा पर खर्च किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग का उद्देश्य जन कल्याण नहीं होता है, बल्कि क्वालिटी बेसिस प्रतिस्पर्धाओं को पैदा करना होता है। आज वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार के उद्योगों का प्रचलन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है। प्रतिस्पर्धा की आड़ में अधिक से अधिक उत्पादन कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की भी बू आती है और इस तरह से प्रतिभा के आधार पर कभी कभी गुणवत्ता भी प्रभावित की जाती है, भाई भतीजावाद भी बढ़ावा दिया जाता है। देश में अभी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, आप रिलायंस उद्योग ले सकते हैं, टिस्को उद्योग इसका उदाहरण ले सकते हैं, बजाज ऑटोमोबाइल का उदाहरण ले सकते हैं। यह तमाम प्रकार के उद्योग जो बीड़ा उद्योग है या निजी उद्योग के अंतर्गत संचालित होता है। तीसरा जो उद्योग का जो वर्गीकरण है वह है संयुक्त उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में सरकार एवं निजी व्यक्तियों के द्वारा शेयरों के आधार पर जो है संयुक्त जो है नियंत्रण स्वामित्व संचालन प्रबंधन जो है किया जाता है, अर्थात पब्लिक प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ऐसे उद्योगों का संचालन किया जाता है। इस प्रकार के उद्योगों में कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा भी पूंजी लगाई जाती है, वहीं सरकारी एजेंसियों सरकार के द्वारा भी जो है इसमें पूंजी लगाया जाता है ताकि अधिक से अधिक रोजगार पैदा करके बेरोजगारी दूर करके अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली उत्पादन किया जाए और लोगों के जीवन को सुखमय बनाया जाए। इस प्रकार के उद्योग में मारुति उद्योग को लिया जा सकता है, कोचिन रिफाइनरी लिमिटेड को रखा जा सकता है, आयल इंडिया लिमिटेड को रखा जा सकता है। इस प्रकार के उद्योग जो है संयुक्त उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो वर्गीकरण हमारे पास जो है स्वामित्व पर आधारित उद्योग में वह जो है सहकारी उद्योग है। ऐसे उद्योगों का संचालन श्रमिक एवं कच्चे माल उत्पादन करने वाले दोनों होते हैं। कल कारखानों में काम करने वाले श्रमिक एवं खेत में कच्चे माल उत्पादन करने वाले कृषक का जो है दोनों के जो है द्वारा संचालन नियंत्रण एवं प्रबंधन सहकारी उद्योग के अंतर्गत होता है। अर्थात सहकारी उद्योग वह उद्योग होता है जिसका संचालन प्रबंधन नियंत्रण श्रमिकों विनिर्माण करने वाले एवं कच्चे माल उत्पादन करने वाले दोनों का होता है।
वह उद्योग जो है सहकारी उद्योग कहलाता है। लाभ और हानि अपने शेयरों के माध्यम से विनिर्माण करने वाले श्रमिक एवं कच्चे माल उत्पादन करने वाले कृषक के बीच जो है बांट दिया जाता है। इस तरह से महाराष्ट्र का गन्ना उद्योग, केरल में नारियल पर आधारित उद्योग, सुधा डेयरी उद्योग, मदर डेयरी उद्योग एवं आनंद जो गुजरात में स्थित है, अमूल मिल्क कोऑपरेटिव जो है उद्योग सहकारी उद्योग के अंतर्गत आता है। उद्योगों को वर्गीकरण के तहत जो सबसे लास्ट जो वर्गीकरण है वह जो पांचवा जो वर्गीकरण है कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योग, भार के आधार पर उद्योग, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योग, अर्थात इस उद्योग में जितना कच्चा माल होता है उतना ही जो है तैयार माल भी बनाया जाता है। इस आधार पर जो है दो प्रकार के उद्योग आते हैं। पहला है हल्के उद्योग, अर्थात इस प्रकार के उद्योग में हल्के वस्तु का उत्पादन किया जाता है, वस्तु का विनिर्माण किया जाता है। विद्युत से चलने वाली तमाम प्रकार के उपकरण, विद्युतीय उपकरण बनाने वाले उद्योग जो है हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो उद्योग है भारी उद्योग, दूसरा जो उद्योग है वह है भारी उद्योग, बड़े बड़े परिवहन के साधनों के निर्माण, पानी वाले पोत का निर्माण, हवाई जहाज का निर्माण, रेलगाड़ी के इंजन का निर्माण, लौह इस्पात उद्योग भारी उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो है कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा के आधार पर दो उद्योग है, हल्के उद्योग व भारी उद्योग। हल्के उद्योग में जहां विद्युत उद्योग आता है वहीं भारी उद्योग के अंतर्गत परिवहन उद्योग, चाहे वह रेल के इंजन बनाने की बात हो, जलपोत बनाने की बात हो, वायुयान बनाने की बात हो, लौह इस्पात तैयार करने की बात हो, यह तमाम जो भारी उद्योग के अंतर्गत आता है। इस तरह से जो है उद्योगों के वर्गीकरण के तहत आपने जो है कई प्रकार के उद्योगों की जानकारी प्राप्त की। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह उद्योगों का वर्गीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानकारी के तहत मैं आप तमाम लोगों को देना चाहूंगा, यह जो उद्योगों का वर्गीकरण जितने भी प्रकार के हैं आप उनको अच्छी तरीके से समझ करके क्रमशः बिंदुवार जो है याद करेंगे एवं इसको लिखने का जो है प्रयास करेंगे। धन्यवाद।